सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स 205 कोड बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर सेकंड के 2.7 टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। तो हमें यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है या उसे जितना हम शॉर्ट बना सकते हैं उतना शॉर्ट बनाना है यूजिंग बुलियन लॉ, यानी जो बुलियन के नियम हमने पढ़े थे और जो थ्योरम्स पढ़ी थी डी मॉर्गन थ्योरम, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें बुलियन एक्सप्रेशन को शॉर्ट करना है या सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें प्रॉब्लम इसी तरह से आती है आपके एग्ज़ाम में, कोई एक्सप्रेशन या दिया हुआ होगा बुलियन एक्सप्रेशन और उसको कहेगा उसे सिंप्लीफाई कीजिए यूजिंग बुलियन थ्योरम्स और बुलियन लॉ। तो क्वेश्चन हम पहला देखते हैं ए प्लस ए बी, सिंप्लीफाई करना हमें ए प्लस ए बी। तो सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे ए प्लस ए बी को? तो ए में ए प्लस ए बी में ए कॉमन लिया मैंने तो ब्रैकेट में आएगा ए वन प्लस बी, सिंपल मैथमेटिक्स की तरह हमने इनमें कॉमन ले सकते हैं। अब हमें और लॉ या और का जो नियम हमने पढ़ा था ए प्लस वन, उससे हमें पता है ए प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है, आपके पास वन ही होता है। तो ए वेरिएबल हमने ए मान के चला, अब ए की जगह आपके पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे वन प्लस बी है, तो वन प्लस बी है तो मुझे पता है बूलियन नियम से अकॉर्डिंग वन प्लस बी किसके इक्वलेंट होगा, वन के इक्वलेंट ही होगा। तो ये आंसर आएगा ए डॉट वन। और दूसरा नियम मुझे ये भी पता है कि ए डॉट वन इज इक्वल टू ए, यानी वन के साथ किसी का एंड ऑपरेट करते हैं तो वो वेरिएबल सेम ही प्राप्त होता है। तो ए डॉट वन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ए ही प्राप्त होगा। तो फाइनली जो सिंप्लीफाई कर दिया हमने ए प्लस ए बी, ये किसके इक्वलेंट है आपके पास, सिंप्लीफाई करके ए, यानी केवल एक वेरिएबल ए के ही इक्वलेंट है ये वाली एक्सप्रेशन, जिसको हमने इस तरह से सॉल्व किया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई ए बी डॉट ए बार प्लस बी बार यूजिंग बुलियंस लॉ। तो ए बी डॉट ए बार प्लस बी बार को सॉल्व करना, तो सबसे पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी डॉट ए बार प्लस ए बी बी बार। अब हमने कम्यूटेटिव लॉ में ये देखा था कि जो प्रोडक्ट में वेरिएबल उसको हम इधर उधर लिख सकते हैं, जैसे ए बी ए बार को हम सीक्वेंस लिखे तो बी डॉट ए बार लिख सकते हैं प्लस ए बी डॉट बी बार, और ए और ए बार और बी बार को हमने पहले मल्टीप्लाई करेंगे उस, यानी पहले हम ए डॉट ए बार को मल्टीप्लाई करेंगे बी से प्लस, और सेकेंड वाले इक्वेशन में पहले बी डॉट बी बार करेंगे और उसको हम ए से एंड प्रोडक्ट करेंगे। तो हमने नियम में पढ़ा था बुलियन लॉ में ए डॉट ए बार इज इक्वल टू क्या होता है, यानी किसी वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड प्रोडक्ट क्या होता है, किसके इक्वलेंट होता है, आपके पास जीरो के इक्वलेंट होता है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में दिख रहा है बी ए डॉट ए बार किसके इक्वलेंट हो जाएगा, जीरो के, ऐसे ही बी डॉट बी बार जीरो के इक्वलेंट होगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गया बी डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो। अब जीरो के साथ एक और नियम हमने पढ़ा है, और जो भी आप नियम इसमें यूज़ कर रहे हो, लो यूज़ कर रहे हो सिंप्लीफाई करते समय बुलियन एक्सप्रेशन को, तो एग्ज़ाम में राइट हैंड साइड में हमेशा उसे ज़रूर लिखना कि भाई इस नियम का मैंने यहाँ पर इस लाइन में या इस नियम का यूज़ किया है, यानी यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड में क्या यूज़ किया, ए डॉट जीरो को यूज़ किया इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनल बी डॉट जीरो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो, और ए डॉट जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो प्लस जीरो जीरो के इक्वलेंट होता है। यानी जो एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है ए बी डॉट ए बार प्लस बी बार, वो किसके इक्वलेंट होगा, एक जीरो के इक्वलेंट है। तो साइड राइट हैंड साइड में हमने रूल भी लिख दिए हैं इसके कि ए डॉट ए बार इज इक्वल टू जीरो और ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी हमने दो नियमों का यूज़ करते हुए इसे सिंप्लीफाई किया है। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं वाई इज इक्वल टू ए बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी, ये क्वेश्चन आपको है और उसको आपको सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे वाई इज इक्वल टू ए बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। तो क्वेश्चन में क्या कॉमन निकल सकता है, तो लास्ट के जो दो पॉइंट्स ए बी बार सी प्लस ए बी सी दो टर्म्स हैं उसमें हमारे पास ए और सी कॉमन निकल सकता है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, बी बार प्लस बी। फिर हमें ये नियम पता है बुलियन नियम कि ए प्लस ए बार, यानी कॉम्प्लीमेंट कोई वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट को हम और ऑपरेट करते हैं तो उसका इक्वल टू क्या आता है, आंसर वन। तो बी बार प्लस बी या बी प्लस बी बार उसको किसी भी तरह राइट कर सकते हो, तो इक्वलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, वन के इक्वलेंट। तो ए बार प्लस ए सी डॉट वन, अब ए सी डॉट वन वन के साथ दो एंड प्रोडक्ट होगा तो वेरिएबल खुद ही आ गया, यानी ए सी ही रह जाएगा यहाँ पर, तो ए बार प्लस ए सी। दूसरा ये बुलियन नियम में हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये हमने पिछले वीडियो में जब लॉ पढ़े थे उसमें देखा था ए प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी लिख सकते हैं हम इसे, वहाँ पर हमने इसे प्रूफ भी किया था। तो ऐसे ही यहाँ पर ए बार प्लस ए सी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बार प्लस ए डॉट ए बार प्लस सी।
हमने इसको इस तरह से राइट कर दिया, ए बार प्लस ए डॉट ए बार प्लस सी। अब हमें वापस ये नियम पता है, लॉ पता है कि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास वन होगा, राइट हैंड साइड में आप लिख चुके हो। तो यहाँ पर जो फाइनल आएगा ए प्लस ए बार, वो तो वन के इक्वलेंट होगा, और बचेगा क्या, ए बार प्लस सी। और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि वन के साथ एंड प्रोडक्ट है, तो ए बार प्लस सी। यानी जो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी, किसके इक्वलेंट हो गई, फाइनली ए बार प्लस सी के इक्वलेंट है। तो आपने बूलियन नियम से इसको सॉल्व किया है। फोर्थ हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी इक्वल टू बी प्लस ए सी होता है। एग्ज़ाम में आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आया कि प्रूफ करो कि ये पूरा एक्सप्रेशन है बड़ा ए इक्वल टू होगा बी प्लस ए सी के। तो कई बार एग्ज़ाम में आपके पास राइट हैंड साइड यानी ये नहीं आएगा कि ये किसके इक्वलेंट है, वो आपको खुद को सॉल्व करना होगा। और कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि भाई ये फाइनली बी प्लस ए सी के इक्वल, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है जो भी इक्वेशन है वो फाइनली बी प्लस ए सी के इक्वलेंट है, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास इक्वेशन है ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार, ये इक्वेशन मैंने राइट हैंड साइड के लिए, और प्रूफ करूँगा उसको इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो जब इतना बड़ा इक्वेशन आ जाए तो सबका अपना अपना तरीका है, कोई किस तरह से सॉल्व कर सकता है, कोई किस तरह से सॉल्व कर सकता है। यानी मैं यहाँ जो मैं मेथड बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वही फाइनल है उसको सिंप्लीफाई करने का, आप अपना मेथड या आपको जिस तरह से उचित लगे वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यूज़ क्या करना है, जो बूलियन के नियम्स है और जो डी मॉर्गन थ्योरम है उसका, उन्हीं को लेते हुए आपको सॉल्व करना है। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार, तो फाइनल लास्ट की जो दो टर्म्स है उसमें हमने ए बी बार को ए बार भी कॉमन ले सकते हैं हम, तो हमने लास्ट के दो टर्म्स में ए बार भी कॉमन लिया, तो बचा सी प्लस वन। अब हमें बूलियन नियम से पता है कि किसी भी वेरिएबल में ए प्लस वन अगर हमें करते हैं या वन ऐड होता है तो इज इक्वल टू क्या होगा, वन के इक्वलेंट रहेगा। तो यहाँ पर सी प्लस वन किसके इक्वलेंट हो जाएगा, आपके पास सी वन के इक्वलेंट हो जाएगा। और वन का अगर वापस मुझे बूलियन पता है कि ए डॉट वन यानी वन के साथ एंड प्रोडक्ट हो, तो वेरिएबल सेम ही रहता है, यानी ए बार बी डॉट वन है तो ए बार बी ही रहेगा ये। तो हमारे पास ये मिल गया ये वापस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म जो मैंने इंडिकेट किया हुआ है उसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, बी कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बच्चा आपके पास ए प्लस ए बार। और सेकेंड और थर्ड टर्म सी ए सी प्लस ए बी बार सी, उसमें मैंने ए सी कॉमन ले लिया तो बचा वन प्लस बी बार। तो ए प्लस ए बार भी आपके पास क्या होता है, वापस बूलियन लो राइट हैंड साइड में, मैंने सीधे हाथ की तरफ इसको मैंने लिखा भी है, ए प्लस ए बार इजिकल टू क्या होता है, वन होता है आपके पास। तो ए प्लस ए बार तो वन के इक्वलेंट हो गया, और वन प्लस बी बार भी वन के इक्वलेंट हो गया, तो फाइनल बी डॉट वन प्लस ए सी डॉट वन हो गया। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ए प्लस वन इजिकल टू वन रहता है, लेकिन ए बार प्लस वन भी वन ही रहेगा। मैंने कहा ना वेरिएबल ए की जगह ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, या उनका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। नियम क्या रहेगा, ए अगर वन अगर ऐड हो गया प्लस वन आ गया तो वो वन ही आएगा फाइनल आंसर, यानी वन प्लस बी बार इजिकल टू क्या होगा, वन ही होगा आपके पास। तो बी डॉट वन प्लस ए सी वन फाइनल क्या बच गया, बी प्लस ए सी, जो कि राइट हैंड साइड में आपके पास दिया हुआ है बी प्लस ए सी। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्विवेलेंट प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड के में, हैंस प्रूफ बाय यूजिंग। तो आपके पास कौन कौन से नियम यहाँ पर यूज़ आए, पहला तो नियम आया था वन प्लस ए इज इक्वल टू वन होता है, ए डॉट वन इज इक्वल टू ए ही होता है, और ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन होता है। तो ये नियम भी ज़्यादा नहीं है, कुल मिला के आप देखोगे तो आठ से नौ नियम है, आठ से नौ सिंपल है, ए डॉट वन वन ए डॉट जीरो जीरो इस तरह से आठ या नौ है, आपको याद करते आराम से वो इजीली प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाएंगे, और आप उसको सॉल्व कर सकते हो बूलियन एक्सप्रेशन को। फाइनल हम एक और क्वेश्चन हम देखते हैं सिंप्लीफाई, ए बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी, उसको आपको यूजिंग बूलियन थ्योरम्स के सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ए बी बार, क्योंकि दो वेरिएबल के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऐसे अगर एग्ज़ाम में आ जाता है दो या दो से तीन वेरिएबल के ऊपर बार लगा हुआ है या पूरी इक्वेशन पे बार लगा हुआ है, तो हमें क्लिक करना चाहिए इक्वेशन कौन सी है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो सबसे पहले इसको डी मॉर्गन थ्योरम से हम ब्रेक करेंगे, तो ए बी बार को हमने डी मॉर्गन थ्योरम से ब्रेक कराया है, तो ए बार प्लस बी बार वही कट द लाइन एंड चेंज द साइन, यानी ए और बी बार को हम अलग अलग वेरिएबल में अगर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो जो डॉट है वो साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो डी मॉर्गन थ्योरम से क्या हो गया इक्वेशन, ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी। अब मुझे ये पता है नियम से कि ए प्लस ए इजिकल टू ए रहता है, यानी दोनों कोई वेरिएबल है उसको हम ऐड करते हैं तो इक्वलेंट वो सिंगल वेरिएबल के बराबर ही रहता है,
तो यहाँ पर a बार दो बार यूज़ आ गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो सिंगल a बार की इक्वलेंट ही है, तो a बार प्लस b बार प्लस ए बी इक्वेशन ये रह जाएगी। अब a बार प्लस ए बी प्लस, इसको मैंने इस तरह से राइट करके लिख दिया है, a बार प्लस ए बी प्लस बी बार। अब सेकेंड नियम जो हम जानते हैं कि a प्लस बी सी इजिकल टू क्या होता है, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। ए प्लस बी सी को हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, एक तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी से ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम ए बार प्लस ए बी को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ए बार प्लस ए और ए बार प्लस बी, और आगे का फाइनल जो थर्ड टर्म्स बची है प्लस बी बार। अब ए प्लस ए बार ये हमें नियम में पता है कि वन होता है इक्वलेंट, तो ए प्लस ए बार को वन कर दिया डॉट ए बार प्लस बी प्लस बी बार, तो फाइनल हमारे पास क्या बच गया, ए बार प्लस बी प्लस बी बार और बी प्लस बी बार, क्योंकि हमें वापस ये पता है बूलियन लॉ से कि ए प्लस ए बार इजिकल टू वन होता है, तो यहाँ पर वेरिएबल ए की जगह बी है, तो बी प्लस बी बार भी किसके इक्वलेंट हो जाएगा, वन के। तो फाइनल बचा ए बार प्लस वन, और किसी भी चीज़ में वन अगर लॉजिक वन प्लस वन होता है तो फाइनल आंसर क्या आएगा, वन। यानी जो एक्सप्रेशन आपको ये दिया हुआ है ए बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी, वो फाइनली किसके इक्वलेंट है आपके पास, सिंप्लीफाई हमने किया तो लॉजिक वन के इक्वलेंट है, यानी सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वलेंट हो गया, ये वन के, या लॉजिक हाई के इक्वलेंट हो गए। और इसी को क्वेश्चन करने को अगर दूसरा मेथड ये है कि अगर सेकंड हम सॉल्व करते हैं तो ए बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी, जैसे मैंने बताया ना, आप भी अपना तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बस ये है कि बशर्ते कि आप नियम का और सिद्धांतों का यूज़ करते हुए आपको चलना है। तो ए बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी दिया हुआ है, तो आप ए बी को अज्यूम कर सकते हो कोई एक्स वेरिएबल से, तो रिप्लेस किया हमने ए बी को एक्स वेरिएबल से, तो यहाँ आ गया एक्स बार प्लस ए बार प्लस एक्स। अब ए बार तो अलग लिख दिया, इसको वापस हमने इधर उधर लिखा, तो ए बार को पहले लिखा प्लस एक्स प्लस एक्स बार। अब दो वेरिएबल है, अब हमने हमारे पास वेरिएबल कौन सा आ गया, एक्स आ गया, तो एक्स प्लस एक्स बार। तो बूलियन लॉ से हमें पता है कि ए प्लस ए बार इजिकल टू क्या होता है आपके पास, वन होता है जैसे, तो ए की जगह अगर एक्स रिप्लेस हो गया तो एक्स प्लस एक्स बार भी आपके पास क्या हुआ, इक्वलेंट वन होगा। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो नियम ये कहता है कि कोई भी वेरिएबल हो और उसका कॉम्प्लीमेंट को हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा। तो ए बार प्लस वन आ गया, और वन के साथ किसी वापस हम ऐड करते हैं और ऑपरेट करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा, वन। तो एक तो ऊपर वाला मेथड था, उसके भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक मेथड ये है कि अज्यूम ए बी को एक्स ले लिया और आपने सॉल्व कर दिया वन, ये आपके पास आंसर है। तो पूरा इक्वेशन किसके इक्वल हो गया आपके पास, वन के इक्वल ही आ गई। ये थोड़ा लॉन्ग बड़ा क्वेश्चन है, इसको हमने जैसे प्रूफ करना है ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी इक्वल टू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अब सॉल्व करने के लिए देखो कि कहीं कॉमन आ रहा है या किस तरह से शॉर्ट हो सकता है। तो ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस लास्ट के जो दो दो टर्म्स है ए बी सी बार प्लस ए बी सी, उसमें हमने ए बी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा सी बार प्लस सी। अब सी प्लस सी बार या सी बार प्लस सी, वो इक्वलेंट किसके होता है, बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग वन के इक्वलेंट होता है, और वन के साथ ए बी को मैं एंड प्रोडक्ट करूँगा तो क्या फाइनल क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, अब ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी इक्वेशन ये रह गई। अब उसमें फर्स्ट को टर्म्स को हमने ऐसे ही रहने दिया ए बार बी सी प्लस, और सेकेंड और थर्ड में से हमने ए कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा बी बार सी प्लस बी। या इसे हमने तरीके से लिखा है वापस, तो बी प्लस बी बार सी लिखेंगे हम। उसके बाद हम चलें कि ए बार बी सी प्लस ए, अब बी प्लस बी बार सी, तो वापस मुझे मेरे पास ये नियम है ए प्लस बी सी, ये किसके इक्वलेंट होता है आपके पास, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। यानी एक वेरिएबल को पहले इसके साथ एडिशन बी के साथ, और ए का सी के साथ एडिशन, उसके डॉट के इक्वल रहता है। तो ये नियम आपके अलग से है और काफ़ी यूज़ होने वाला नियम, काफ़ी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय काम आता है, तो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ये किसके इक्वलेंट हो गया, बी प्लस बी बार प्लस बी प्लस सी, और बी प्लस बी बार क्योंकि हमें नियम से पता है ए प्लस ए बार इजिकल टू वन होता है, तो यहाँ पर बी प्लस बी बार इजिकल टू वन हो गया, तो ए बार बी सी प्लस ए वन डॉट बी सी बी प्लस सी, और वन डॉट बी प्लस सी करेंगे तो वो बी प्लस सी के इक्वलेंट ही आएगा, क्योंकि ए डॉट वन इजिकल टू वेरिएबल के बराबर ही रहता है। तो ए बार बी सी प्लस ए बी सी आ गया ब्रैकेट में, ये आपके पास बच गया। अब ए बी सी को हमने सॉल्व किया, और ए बार बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन मिला। अब पहले और दूसरा जो इसमें
टर्म्स हैं, ए बार बी सी प्लस ए बी, उसमें हम बी कॉमन ले लेंगे। तो बी कॉमन ले लिया तो बचा ए बार सी प्लस ए प्लस ए सी। अब वापस ए बार सी प्लस ए को हमने अगर तरीके से लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए बार सी लिख सकते हैं। और ए प्लस ए बार सी को हमने इस नियम से ब्रेक किया, तो उसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं, एक तो ए बार ए प्लस ए बार और ए प्लस सी से, और ए प्लस ए बार मुझे पता है 1 होता है, तो फाइनल क्या बच गया, ए प्लस सी। तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ए सी। अब इसको हमने सॉल्व किया और फर्दर, तो बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी आ गया। और तरीके से इसको हमने वापस जमा के लिखा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड का इक्वेशन थी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ किया है यूजिंग बुलियंस लॉ। तो सबसे पहले हमने लास्ट टू टर्म्स में से ए बी कॉमन लिया है, फिर इस फॉर्मूले का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ हुआ, इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, ए प्लस ए बार को या बी प्लस बी बार को 1 कर दिया है, और फाइनल बचा ए बी प्लस सी। फिर पहले और दूसरे टर्म्स में से हमने बी कॉमन लिया है और अंदर वापस फार्मूला हमने लगाया है ए बार प्लस ए और ए प्लस सी में, तो हमारे पास आ गया फाइनल आंसर बी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस तरह से आपके पास कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन आ जाए तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं दिए हुए तरीके से या आप अपने तरीके से, लेकिन यूज़ किसका करेंगे, हम बुलियंस लॉ का या बुलियन थ्योरम्स का यूज़ करते हुए उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या उसे शॉर्ट बना सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन या एक्सप्रेशन आएंगे और उसको आपको सॉल्व करना रहेगा यूजिंग बुलियन लॉ के। थैंक यू।